हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल सो स्टार्टिंग इंग्लिश। मेरे चैनल का नाम स्टार्टिंग इंग्लिश है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर अदर एनी अदर, सो दिस टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट अनदर। अनदर मीन्स होता है दूसरा, अदर मीन्स दूसरा, एनी अदर, एनी अदर का सेंस कोई और से होता है। अनदर, अनदर हम सिंगुलर में यूज करते हैं, सिंगुलर में, सिंगुलर नाउन के साथ, नाउन के साथ यूज करते हैं अनदर का। अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, एनी अदर। जैसा कि मैंने एनी अदर, मैंने आपको बताया था कि एनी का अर्थ होता है निगेटिव सेंस से लिया जाता है, यानी एनी अदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, बट निगेटिव सेंस में। तो निगेटिव सेंस में क्या, निगेटिव हो सिंगुलर एंड प्लूरल, तो निगेटिव सेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, बट निगेटिव सेंस में। अनदर, अनदर सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा यूज होता है। तो अनदर का अर्थ होता है दूसरा, अदर का अर्थ होता है दूसरा, एनी अदर का अर्थ होता है कोई और। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट आई नीड अनदर पेपर, पीस ऑफ पेपर, आई नीड अनदर पीस ऑफ पेपर, मुझे आवश्यकता है अनदर पीस ऑफ पेपर की। सेकेंड है सी वांट्स, सी वांट्स वह चाहती है, क्या चाहती है, अनदर बेबी। सी वांट्स टू हैव, यस टू हैव अनदर बेबी, सी हैव, सी वांट्स टू हैव अनदर बेबी, वह दूसरा बेबी चाहती है अपने पास। तो इस तरह के ये अनदर का यूज होता है, एक सिंगुलर में होता है, ये सिंगुलर है, प्लूरल, प्लूरल में क्या होता है अदर, अदर। अगर हम इसको और देखना चाहेंगे तो इसको और हम देखेंगे, इसको तब तक मैं इरेज कर लेती हूँ। थर्ड है सेंटेंस में आई है, आई हैव परचेज्ड अनदर बुक, आई हैव परचेज्ड, मैंने परचेज किया अनदर बुक, या यस अनदर बुक, मैंने दूसरा बुक परचेज किया। तो इस तरह के किया है, मैंने दूसरा बुक परचेज किया है, तो इस तरह के सेंटेंस में यूज होगा। अब यूज अदर, हाउ कैन यूज अदर, अदर मीन्स होता है दूसरा, यानी सी, सी हैज, सी हैज इस तरह हो जाएगा, सपोज दैट आई हैव एंड, आई हैव एंड सीन, 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 आई हैव एंड सीन अदर प्लेस,
एंड से मैंने नहीं देखा है अदर प्लेस, मैंने दूसरा प्लेस नहीं देखा है. तो आई हैवंट सीन अदर प्लेस, मैंने दूसरा प्लेस नहीं देखा है. एंड अदर का यूज और भी हो सकता है. सेकेंड आई या ही बॉट अ बुक अदर डे. वह खरीदा, उसने खरीदा अ बुक, एक बुक खरीदा अदर डे, दूसरे डे. तो इस तरह के अदर का यूज होता है. अनदर का यूज सिंगुलर में आई नीड अनदर पीस ऑफ पेपर, सी वांट्स टू हैव अनदर बेबी, अदर आई हैव परचेज अनदर बुक, आई हैव अनदर बुक या अनदर का अदर का यूज आई हैव सीन, आई हैवंट सीन अदर प्लेस, मैंने नहीं देखा अदर प्लेस, आई हैवंट सीन अदर प्लेस, मैंने अदर प्लेस नहीं देखा है. ही बॉट अ बुक अदर डे, उसने दूसरे दिन अ बुक खरीदा. एनी अदर का सेंस होता है कोई और, यानी निगेटिव, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. तो इसमें क्या होता है, एनी अदर. तो एनी अदर कई जैसे एनी अदर पर्सन, सपोज दैट एनी पर्सन एनी अदर ड्रेस, एनी अदर पर्सन और एनी अदर कार्ड एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन, एनी अदर ड्रेस, कोई दूसरा ड्रेस, एनी अदर कार्ड, कोई दूसरा कार्ड. तो इस तरह के यूज होगा. तो एनी अदर का जैसे आई हैवेंट इसी को हम बना लेंगे. आई हैवेंट सीन Any other places. मैंने कोई दूसरा places नहीं देखा है. तो इस तरह के second हमारा होगा you have लगा दीजिए. You haven't visited any other places. Yes. So I haven't seen any other places. मैंने कोई दूसरा places नहीं देखा है. You haven't visited any other places. आपने कोई दूसरा places नहीं देखा है, नहीं दौरा किया. विजिटेड मीन्स दौरा करना होता है. तो आपने दूसरा प्लेसेस विजिटेड नहीं किया है. तीसरा हो गया, इसमें दिख रहा है, थर्ड नहीं दिखेगा. थर्ड हम ऊपर लिख देते हैं. थर्ड जैसे थर्ड हो गया, पेपर इज टालर देन, पेपर इज टालर देन एनी अदर, स्टूडेंट्स ऑफ इट्स क्लास. तो इस तरह के पेटर इज टालर देन एनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. तो एनी अदर का प्रयोग इस तरह के पेटर इज टालर देन एनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. पेटर अपने क्लास में कोई दूसरे स्टूडेंट से की अपेक्षा टालर है, यानी टालर लंबा है. तो इस तरह के सेंटेंस में यूज होता है. तो
मेरे वीडियो को चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट फुल सपोर्ट दीजिए और फुल वॉच कीजिए इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।